करंट अपन पढ़ रहे थे उद्योग। उद्योगों में अपन ने पढ़ लिया था उद्योगों का वर्गीकरण में इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उद्योगों में, कच्चा माल, उसके बाद था आकार और स्वामी, इनके आधार पर उद्योगों को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया था, वो अपन ने कल पढ़ दिया था। वह उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अब उद्योगों की अवस्थिति क्या होती है? अवस्थिति वो होती है कि उद्योग कहाँ स्थापित करने चाहिए, उद्योगों की स्थिति कहाँ पर। अवस्थिति का मतलब क्या होता है कि उद्योग कहाँ स्थापित करने चाहिए, इनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इनको मुख्य रूप से देखो, सबसे पहला है कच्चा माल, मैं अभी समझा दूंगी कच्चा माल। दूसरा है पूंजी, तीसरा है बाजार, उसके बाद है श्रम, जल, ये कारक इसको प्रभावित करते हैं। विद्युत, भूमि, परिवहन और संचार। विद्युत, भूमि, परिवहन और संचार। अब ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं देखो, सबसे पहला है कच्चा माल। अब अपन को उद्योग कहाँ स्थापित करने चाहिए, अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जो भारी उद्योग होते हैं जिनमें कच्चे माल की ज्यादा जरूरत रहती है, उन उद्योगों को कच्चे माल के पास ही स्थापित करना चाहिए। मतलब ये सारे कारक उद्योगों को स्थापित करने के लिए आवश्यक मान लो आप। इनमें से कुछ कारक ऐसे हैं जो जैसे कहीं भी अपन स्थापित कर दें तो वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करते, लेकिन कच्चा माल बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि अगर जिसमें जैसे चीनी उद्योग में गन्ना कच्चा माल होता है ना, अब गन्ने का परिवहन करना, अगर अपन ने जहाँ गन्ना उत्पादित होता है वहां पर कच्चा माल जहाँ पर है वहां, अगर गन्ने के क्षेत्र के पास ही उद्योग स्थापित कर देंगे तो देखो लगभग 10 टन गन्ने से 1.5 या 2 टन ही चीनी प्राप्त होती है। तो अब कच्चे माल के पास अगर उसको स्थापित नहीं किया तो कितना परिवहन खर्च बढ़ जाएगा, कि गन्ने को जहां अपन उद्योग स्थापित करेंगे वहां तक लेके आओ, फिर तैयार माल को वहां से लेके जाना आसान, क्योंकि कच्चे माल अधिक जिस भी उद्योग में कच्चा माल अधिक लगता है, अगर कच्चे माल के पास अपन ने उस उद्योग को स्थापित कर लिया तो वो ज्यादा प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि अगर कच्चे माल का जैसे अपन ने 10 क्विंटल गन्ने का अगर अपन परिवहन करेंगे तो वो ज्यादा महंगा पड़ेगा बजाय किसके, 2 क्विंटल चीनी के, जैसे चीनी बनती है ना इससे गन्ने से। तो चीनी उद्योग जिस भी उद्योग में, चीनी का मैंने उदाहरण दिया है, चीनी के अलावा जिस भी उद्योग में कच्चा माल अधिक मात्रा में लगता है उस उद्योग को, जैसे चीनी उद्योग है या सूती वस्त्र उद्योग है, वो कच्चे माल के पास ही स्थापित अपन को करने चाहिए जिनमें परिवहन का खर्च आसानी से बचाया जा सके। अब दूसरा है पूंजी। अब किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए पूंजी भी आवश्यक होती है, अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बिना पूंजी के, पूंजी का मतलब होता है पैसा, तो बिना पूंजी के अपन कोई भी उद्योग स्थापित नहीं कर सकते। तो इसके लिए मुख्य कारक क्या हो गया, पूंजी और कच्चा माल। पूंजी का ये जरूरी नहीं है कि पूंजी तो अपन कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा है बाजार। अब कोई भी उद्योग में अपन कोई भी उत्पादित जो वस्तु करते हैं उसको जब तक उसको मार्केट में जैसे बाजार में उसकी वैल्यू नहीं करेंगे या उसकी जिस चीज की वैल्यू होगी वही तो उत्पादित करेंगे, तो बाजार
चीज सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो बना के रखने से फिर तो वो उद्योग थोड़े होगा भाई। उद्योग अपने फायदे के लिए तो लगाते हैं, तो फायदा उसी में होगा कि जैसे अपन ने कच्चा माल लिया, अब अपने कच्चे माल के पास उद्योग स्थापित कर लिया, लेकिन वहां से भी बाजार की सुविधा होनी चाहिए अपने पास, कि नजदीक बाजार होना चाहिए जहाँ उस चीज की खपत हो सके, नहीं तो उसको स्टोर करने से फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो इसके लिए किसी भी उद्योग को स्थापित करने पे हैं तो जैसे ऐसे करेगा कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जैसे मैंने चीनी उद्योग का उदाहरण दे दूं आपको, तो चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है, गन्ना। अब गन्ने वाले क्षेत्रों में अपन उद्योग स्थापित कर लेंगे, एक बार अपन ये सोच लें, लेकिन अगर वहां बाजार नजदीक नहीं है, जैसे बाजार ये समझ लो 100 किलोमीटर दूर है, तो वो उद्योग वहां पे कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वो उतना परिवहन खर्च जो वहन करेंगे तो उसमें जो फायदा ही नहीं होगा, तो फिर उस चीज का क्या उपयोग। उद्योग अपन फायदे के लिए तो लगाते हैं, तो इस अब उद्योग जैसे अपने समझ लो 100 किलोमीटर वहां से बाजार है और गन्ना क्षेत्र है वहां से 100 किलोमीटर बाजार, लेकिन अपन वहां उद्योग स्थापित नहीं करेंगे गन्ने क्षेत्र के पास, ऐसे स्थान पे करेंगे जहां से बाजार भी नजदीक पड़े और जहां से कच्चा माल भी नजदीक पड़े, तो उस बीच वाले क्षेत्र में उद्योगों की अवस्थित करेंगे, उसको स्थापित करेंगे। ठीक है, आ गए समझ में कि बाजार, क्योंकि बाजार के बिना कोई भी चीज की वैल्यू है जो वो नहीं होगी, जब तक बाजार में उसका अपने कोई भी चीज का उत्पादन कर दिया, लेकिन उसकी अगर अपने डिमांड है जैसे, तो उसके अनुसार उसको अगर मार्केट में सेल नहीं करेंगे तब तक उस चीज की वैल्यू नहीं होगी, अपने चाहे कितना भी अच्छा उत्पादन कर लिया तो उसके लिए बाजार अति आवश्यक है, क्योंकि उस उत्पादन को बेचने के लिए अपन को बाजार की भी जरूरत होगी। अब इससे अगला पॉइंट है श्रम। श्रम का मतलब होता है मेहनत, जो उसमें काम करने वाले लोग होते हैं। अब किसी भी उद्योग में श्रमिकों की अति आवश्यकता होती है, महत्वपूर्ण है यह कारक भी। क्यों? क्योंकि देखो मशीनों को चलाने के लिए मजदूरों की जरूरत होती है, आदमियों की जरूरत होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हाथ से वर्क ज्यादा किया जाता है मशीनों की बजाय, ठीक है, कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें शारीरिक श्रम ज्यादा लगता है, तो उनको भी और मशीनों को भी चलाने के लिए फिर उस उत्पादन को, जैसे उत्पादन हो गया जैसे कपड़ा है, अब कपड़े की रंगाई छपाई ये सारी मशीनों से होगी, लेकिन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए भी मनुष्यों की जरूरत होती है ना, तो उस श्रमिकों की जरूरत भी अति आवश्यक है। तो उसी स्थान पर अपन उद्योग स्थापित करते हैं जहां पे जैसे अपन ने समझ लो कच्चे माल के पास करें, अगर वहां ये श्रमिक उपलब्ध नहीं है तो वो उद्योग अपना वहां कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वहां श्रमिक भी उपलब्ध होने चाहिए, वहां जो जनसंख्या है वो काम करने वाली जनसंख्या अधिक होनी चाहिए, तब ही वो उद्योग वहां कामयाब होगा। और उसके बाद है जब किसी भी उद्योग में, जैसे कई उद्योग ऐसे होते हैं जैसे ये चीनी है, कपड़ा है, ये जो भारी उद्योग है, लोह इस्पात, इनमें सभी उद्योगों में जल की अति आवश्यकता होती है। जैसे कुछ उद्योग है जिनमें अधिक जल की मात्रा की जरूरत होती है और कुछ में कम, जैसे अब कपड़ा है, कपड़े में रंगाई छपाई धुलाई उसको करने के लिए जल की अति आवश्यकता होती है, तो इसके लिए जहाँ पर उद्योग स्थापित करेंगे वहाँ जल भी आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। जैसे अब अपने ये राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर जल की कमी है ना, अब अगर वहां पर ने उद्योग स्थापित कर लिया जैसे समझ लो कपड़े का ही, तो वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जल की उपलब्धता जहाँ नहीं है वहां फिर वो उद्योग में पानी जिसमें चाहिए और वही वहां नहीं है, तो वो उद्योग वहां स्थापित नहीं करना चाहिए, वो फायदेमंद नहीं होगा। तो ये सारे कारक अपन को कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए इन सभी कारकों को, सारे कारक एक साथ मिलना संभव नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि अपन को ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, जैसे अब भारी जो भारी मशीनी उद्योग है, वो इस्पात उद्योग है, वो कच्चे माल के पास, उसको परिवहन के साधन और कच्चा माल ज्यादा उपलब्ध होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि उनको बाजार तक पहुंचाने के लिए अच्छे परिवहन साधनों की जरूरत होगी, और कच्चे माल के पास क्योंकि उनमें रॉ मेटीरियल जो
कच्चा माल है लो इस्पात बनाने के लिए या जो मशीनी उद्योग है इनमें उन जिनमें कच्चा माल अधिक लगता है तो वो कच्चे माल के पास ही स्थापित किए जाते हैं वो उद्योग। ठीक है, अब उसके बाद है विद्युत। अब किसी भी उद्योग को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, चाहे वो सौर ऊर्जा उपलब्ध हो वहाँ, चाहे जल ऊर्जा उपलब्ध हो। ठीक है, तो मशीनों को चलाने के लिए विद्युत की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत होती है, तो वो भी उपलब्ध होनी चाहिए। और अगला है महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, भूमि। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए अपन को एक बड़े भूभाग की भी जरूरत होती है। ठीक है, अब अपन ने कृषि आधारित जो उद्योग हैं, जैसे अपन ने कल भी पढ़ा था कृषि आधारित उद्योग हैं, तो अगर उनमें कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचाकर कृषि क्षेत्र जहाँ उद्योग स्थापित करेंगे उसके लिए बड़ा भूभाग भूमि का चाहिए, लेकिन अगर वो उपजाऊ क्षेत्र है तो अपन ने नुकसान ही किया ना, तो इस प्रकार का क्षेत्र चुनना चाहिए कि जैसे वहाँ कृषि पर आधारित है तो वहाँ कृषि भूमि भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए, वहाँ की जो जनसंख्या है वो भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा क्षेत्र अपन को चुनना चाहिए जहाँ पे भूमि भी आसानी से उपलब्ध हो सके उद्योग को स्थापित करने। और अगला महत्वपूर्ण है परिवहन। ये मैंने तुम्हें बताया बाजार तक कोई भी वस्तु तैयार माल या कच्चा माल उद्योगों तक पहुँचाने के लिए परिवहन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, परिवहन के बिना कोई भी मतलब उद्योग कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जैसे अब फलों की खेती है या सब्जियों की खेती है, ठीक है, खाद्य पदार्थ जो है वो बाजार के आसपास उद्योग स्थापित होते हैं, बाजार के आसपास, जैसे नगरों के पास फल सब्जियां दूध जो जल्दी खराब होने वाले हैं वो आसपास ही लगाए जाते हैं ना उन क्षेत्रों में, अब उनके लिए तीव्र परिवहन साधनों की जरूरत होती है। सब्जियां हैं आज जैसे खेतों से तैयार की हैं सब्जियां, अब वो कल तक अगर बाजार नहीं पहुंचेंगे तो आधी सब्जियां तो गल जाएंगी, सड़ जाएंगी, तो वो फिर नुकसान हो जाएगा। तो कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए अपन को परिवहन के तीव्र साधनों की जरूरत होती है, जहाँ परिवहन के साधन जैसे अब पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के साधनों का विकास करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, जबकि जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें आसानी से सड़क मार्ग निकाल सकते हैं, रेल मार्ग निकाल सकते हैं। तो जहाँ परिवहन के साधन आसानी से उपलब्ध हों वहीं पर अपन को उद्योग की स्थापना करनी चाहिए। अब अगला है संचार के साधन, यह भी उद्योगों में महत्वपूर्ण है। आप कहोगे कैसे, संचार के साधनों के बिना अपन को, जैसे टेक्नोलॉजी आज देखो अपने आधुनिक युग में, अब टेक्नोलॉजी का अधिक संचार के साधनों का अधिक विकास हुआ ना, इंटरनेट से अपन कुछ भी सर्च करते हैं, इस जैसे ये सुविधा अधिक हो गई, तो ही तो है आज से 20 साल पहले के अगर आप देखोगे तो ये सुविधा ही नहीं थी, इंटरनेट की इतनी सुविधा नहीं थी, संचार के साधनों का इतना विकास नहीं था। तो एक चीज को जानकारी लेने के लिए कि ये बीमारी हो गई अपनी फसल में या पशुओं में, कोई भी उद्योग जो दूध उद्योग है या फल सब्जियों का उद्योग है, कोई बीमारी हो गई तो उसके लिए स्पेशल बाजार जाना पड़ता था चल के और पूरा दिन खराब हो जाता, लेकिन आजकल ऐसी सुविधा है इंटरनेट पे, अपन गूगल पे कुछ भी डालते हैं उस चीज़ का समाधान अपन को तुरंत मिल जाता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ ना, इसी प्रकार से कोई भी जैसे आजकल देखो ऑनलाइन जो मार्केटिंग हो रही है, आप सब परिचित हो गई ऑनलाइन से, कि ऑनलाइन से कोई चीज़ अपन को सेल करनी है या कोई चीज़ अपन को खरीदनी है तो फटाफट उसके ग्राहक मिल जाते हैं, आसानी से वो आपके घर तक पहुंच जाएगी, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हो। लेकिन अगर आपके पास संचार के साधनों का विकास है, वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा है, तो वहाँ से आप ऑर्डर करोगे तीसरे दिन चौथे दिन आपके पास वो चीज़ आसानी से पहुँच जाएगी। तो संचार के साधनों का भी विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि उद्योगों में जो भी अपन जैसे कोई सामान तैयार करते हैं, कोई उत्पाद करते हैं किसी भी वस्तु का, तो उसको सेलिंग करने के लिए या उसकी मार्केटिंग करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, देखो आजकल मार्केटिंग का जमाना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपन चीज़ का प्रचार प्रसार करेंगे, एडवर्टाइजमेंट जिसे बोलते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा, आप टी वी में अपन एडवर्टाइज देखते हैं, कॉम्प्लान हॉर्लिक्स बॉर्नविटा अलग अलग आती है ना, सभी बच्चे आजकल ये मोस्टली यही उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो वो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए संचार के साधनों की भी जरूरत, अपने माल को सेल करने के लिए, जैसे आजकल अलग अलग वेबसाइट खुली हुई हैं, अलग अलग साइटों पे आप सब्जी भी मंगवा सकते हो, घर का जो घरेलू सामान है वो सारा संचार के साधनों के द्वारा इजीली आप घर बैठे
और ये भारी भी होता है, तो वो उद्योग उन कच्चे माल के पास ही स्थापित होते हैं। कोई है पूंजी, पूंजी तो सभी उद्योगों के लिए जरूरी है, पूंजी के बिना तो अपन कोई भी उद्योग स्थापित कर ही नहीं सकते। उसके बाद है बाजार, बाजार भी सभी उद्योगों के लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक बाजार में अपन कोई अपनी बनाई हुई वस्तु को जब तक सेल करने का अपन को वहाँ जो स्थिति नहीं रहेगी, अपन का सेल करने का कोई वो स्थान नहीं रहेगा, तब तक वो चीज बेकार है, बना के रखने से क्या फायदा है। तो बाजार की भी अत्यधिक जरूरत रहती है। देखो अब बाजार के रूप में आप ये भी समझ सकते हो कि आप जैसे कोई भी अभी ये है जैसे कृषि करते हैं, कृषि में अपने पास जो अधिक फसल उगाते हैं गेहूँ है बाजरा जो ज्वार जो भी है वो अपने उपभोग के अलावा जो बच जाती है वो अपन मंडी में सेल करके आते हैं ना, आपके घर से तो कोई लेके नहीं जाता, या लेके जाएगा तो सस्ते दाम पे लेके जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या चाहिए, जैसे जहाँ भी बाजार या मंडी आपके लगती है वहाँ लेके आते हो ना अपनी फसल को, तो वो आसानी से बिक जाती है और आपका मूल्य भी अधिक आपको मिलता है उस चीज का, ठीक है ना। तो बाजार की भी श्रमिकों की भी जरूरत रहती है किसी भी उद्योग में, श्रमिकों की चाहे वो आजकल जैसे मशीनों से ही सारा काम होता है, लेकिन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए भी श्रमिकों की अति आवश्यकता होती है। जल जिसमें उसके शुद्धिकरण के लिए मशीनों को ठंडा करने के लिए जल की भी अधिक आवश्यकता होती है, तो जहाँ जल की उपलब्धता होगी वहीं पर उद्योगों को स्थापित किया जाएगा। विद्युत या ऊर्जा भी भूमि उसको स्थापित करने के लिए भूभाग की भी जरूरत होगी। परिवहन के साधन महत्वपूर्ण है, जो परिवहन के साधन बाजार तक उस वस्तु को ले जाने के लिए या कच्चे माल को उद्योगों तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों की भी जरूरत। और संचार का मैंने तुम्हें बताया कि उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए संचार के साधनों या उनका समाधान ढूंढने के लिए, कि जैसे अपन अब कृषि के क्षेत्र में देखो कितना विकास हो रहा है धीरे धीरे, पहले जो ये विकसित राष्ट्र है ना जैसे अमेरिका है कनाडा है, अब अपन फटाक से देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं ना गूगल पे कि इस खेती के लिए कौन कौन से आवश्यक दशाएं होनी चाहिए, कितने तापमान में होनी चाहिए, कौन कौन से इसमें कौन कौन से रोग होते हैं, फटाफट लिस्ट आ जाएगी आपके पास, उनका क्या समाधान है वो भी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। तो इस प्रकार से संचार के साधनों के द्वारा वो काम बहुत ईजी हो गया है, जैसे अब इसका प्रचार प्रसार ज्यादा हो गया है। तो ये थे उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं ये, तुम्हें सारों का वर्णन याद होना चाहिए, आपकी बुक में तो इनकी इतनी डिटेल नहीं दे रखी, लेकिन हमेशा ये जब भी अपन उद्योगों को पढ़ेंगे वितरण भी पढ़ेंगे, तो आगे अपन देखना वितरण पढ़ेंगे तो वितरण में भी ये सारे कारक जो हैं वही उद्योगों को प्रभावित करेंगे कि उद्योग या तो कच्चे माल के पास होगा या बाजार के पास स्थापित होगा, और वो क्यों होगा वो मैं आगे अपन वर्णन पढ़ेंगे ना तो मैं बता दूंगी, ठीक है। यह आज का उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक जिनका वर्णन आज अपन ने पढ़ा, याद कर देना।